हेलो एवरीबॉडी। तो भाई हमने वहाँ से जो हमारा पहले वाला जगह था, वो जो पटाया इससे आगे था, वो चेंज करके अब हम दूसरी जगह आए हैं। ये जगह का नाम है मस्कान, मस्कान समथिंग लाइक दैट। सो यहाँ पे हमने अपार्टमेंट रेंट करी है, और यहाँ का भाई जो जगह हमने व्यू चूज़ किया है ना, आप लोग देखना, खुद बोलना कि भाई कैसा है, कमेंट में आपको पता चल जाएगी। सो ऐसा ही कुछ है, स्टूडियो अपार्टमेंट आपको पता है, ये कोजी सा किचन और सारा जो चीज़ें रहती है आपको पता है। ये हमारा रूम है, जो बेडरूम है, ये अपना जो भी चीज़ें, ये अपना शावर हो गया, यहाँ पे शैम्पू वगैरह, कंडीशनर वगैरह जो भी चीज़ें दिए हुए होते हैं, ये सारा अपना जो फेस वाश वगैरह। सो ऐसा ही कुछ है। ये देखो भाई, अपने रूम से जो व्यू दिखता है ना, लुक एट दिस, वाह। अभी वरंडा से आपको प्रॉपर दिखाएंगे। अभी थोड़ा गंदा पड़ा हुआ है, हमने थोड़ा जल्दबाजी में सारा कुछ फेंक के रखा हुआ है। तो ये तो टीवी स्टूडियो वगैरह जो भी रहता है, ये वैसा ही है। सो ये अपना वरंडा है। ये वाली लाइट देखना भाई, कितना सही चल रहा है, ये देखो, वाह। सो आपको दिखाते हैं आगे वरंडा से, ये रहा भाई व्यू, लुक एट दिस। ये व्यू मैंने चूज़ किया है स्टे के लिए, क्योंकि मेरे को भाई बड़ा पसंद आता है जब मैं ऐसा कोई नज़ारे के साथ सुबह उठता हूँ ना भाई। कहीं भी आप टूर करो ना, तो हमेशा जगह अपने हिसाब से चूज़ करो कि कहाँ आपको बैठना है, कैसा व्यू आपको चाहिए। क्योंकि देखो भाई, आप खर्चा करके बाहर आते हो, आपको पता होनी चाहिए कि उसकी वैल्यू क्या है, क्या रहता है, कितना बंदा मेहनत करके कितना कुछ करता है। सो ये रहा भाई मेरे वरंडे से व्यू, शाम को इधर बैठ के मज़े से कॉफ़ी पी सकते हो आप। ये यहाँ पे पूरा क्या बोलते हैं, वाटर पार्क वगैरह है, बंदा आराम से शाम को बैठ सकते हैं। ये पूरा सिटी व्यू है, ये देखो भाई, ये मेट्रो का रूट है यहाँ से। सो बंदा आराम से मेट्रो लेके भी जा सकते हैं कहीं भी। तो ऐसा ही कुछ है भाई, चेक इट, वाओ। ये है बिल्डिंग का स्विमिंग पूल, खिड़की से अभी ऐसा लग रहा है। सो ये रहा भाई बिल्डिंग का बाहर जो बैक साइड वाला है, काफ़ी कूल है। सो भाई ये अपना जो नया रेजिडेंस है, ये है भाई, कुछ ऐसा है। तो अभी भाई ये अपना रेजिडेंस के बाहर हम आ चुके हैं, ये रहा रेजिडेंस। सो यहाँ पे अपना अपार्टमेंट है, तो ऐसा ही कुछ है। यहाँ से हम निकलेंगे आज, देखते हैं, अभी स्पॉन्टेनियस प्लान करेंगे, क्योंकि हमने कुछ पहले से प्लान नहीं करी है। सो ये हमने चेंज किया है कोई और जगह, इसको बोलते हैं हमार, पता नहीं, मकासन बोलते हैं, मकासन। सो देखते हैं अभी जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता अभी पता चल जाएगी। रोड क्रॉस करते हैं, आगे से बोर्ड में चलते हैं भाई। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जहां से हमें बोर्ड लेनी है। सो ये रहा बोर्ड का, जहाँ से बोर्ड आता है, फिर यहाँ पे स्टेशन है, ये जैसे बस स्टेशन होता है वैसे ही बोर्ड स्टेशन है। सो यहाँ पे प्रॉपर मैप लगा हुआ है, आप जहाँ जाना चाहते हो उसका मैप है। आप मैप हमारा असगर भाई पढ़ रहा है, देखते हैं क्या निकलता है, कहाँ तक जाएंगे हम, सेंट्रल तक जाएंगे। सो ये पोर्ट है भाई, 40 बाद है यहाँ से कहीं भी जाने का शायद। सो ऐसा ही कुछ है, ये देखो भाई, लुक एट द व्यू, वाह भाई। अभी वेटिंग चल रही है, अभी बोर्ड अभी तक आया नहीं, ये हम पोर्ट के ऊपर अभी खड़े हैं। सो अभी देखते हैं कितने टाइम में आता है। सो तब तक थोड़ा फोटोग्राफी हो जाए भाई, सीन तो बड़ा सही लग रहा है यहाँ से भी भाई। इसमें लगता नहीं होगा क्या बोर्ड? हाँ भाई, इसमें लगता नहीं होगा क्या इसके नीचे से? हाँ काफ़ी सही है भाई। तो भाई बोर्ड आ चुकी है, बोर्ड आ रही है यहाँ से, आपको दिख रहा होगा। तो अभी देखते हैं चढ़ेंगे कहाँ तक जाता है। सो उस हिसाब से फिर हम अपना रूट ले लेंगे। सो ये आ रही है, बोर्ड आ चुकी है, बोर्ड के ऊपर जहाँ से स्टेशन के ऊपर जहाँ से हम चढ़ेंगे, ये रहा, ये बोर्ड उस तरफ जा रही है, हमें जाना है इस तरफ, चाइना टाउन की तरफ जो सेंट्रल में है। तो ये गलत रास्ता था, अभी वहाँ से आएगा फिर हमें लेके यहाँ जाएगा। सो हम उसका वेट कर ले भाई। अभी हम E3 के ऊपर है, हमें जाना है E22 के ऊपर, क्योंकि यार ये मैप भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इन्होंने बनाई हुई है। सो अभी इसको भी पता नहीं चल रहा है, जो आंटी है तो हम इसको भी बता रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सो यहाँ से अगर आएगी फिर ठीक है भाई, इधर निकल जाएंगे,
क्योंकि मैंने तो देखा अभी काफ़ी टाइम पहले से ही यहाँ से ही जा रहा है, तो हमें इस साइड जाना पड़ेगा। सो मे बी शायटिंग भाई अभी तक बोर्ड नहीं आई है, 10 मिनट हो गया हमें। सो अभी वेट कर रहे हैं, यहाँ से जो आ रहे थे वो तो चले गए, एक दो बार आके वो हमारे साइड से यहाँ से आने वाले हैं, जो यहाँ जाएगी वो अभी तक नहीं आया। उसमें 5 मिनट दिखा रहा है, अभी देखते हैं थोड़ा वेट करके क्या रहता है क्या नहीं रहता, सो उस हिसाब से करेंगे। हम है E3 के ऊपर, हमें जाना है सेंट्रल पेयर, सेंट्रल पेयर प्लेटिनम पेयर, ये सेंट्रल पेयर हमें जाना है। सो यहाँ से हम या टुकटुक या वो करके सेंट्रल वर्ल्ड जाना है यहाँ से। सो अभी दिखाते हैं क्या रहता है वहाँ। 5 मिनट वेट करने के बाद आ चुका है बोट। सो ये रहा बोट, आ रही है यहाँ से, आपको दिख रहा होगा। सो अभी देखते हैं क्या रहता है ये। पहले लोगों को उतरने देते हैं, सो उसके बाद नेक्स्ट हम चढ़ जाएंगे अंदर। तो यस एवं, तो भाई अभी हम चढ़ गए हैं। यहाँ तो कुछ ज़्यादा भीड़ नहीं है क्या? क्राउडेड है बहुत, मगर ये टैक्सी सर्विस जैसा है भाई। दो बंदे के लिए सेंट्रल वर्ल्ड तक ये लोग लेते हैं 88 बाद पर पर्सन, शायद 44 होता है। सो ये देखो इतना वापस देते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है ऐसा रहता है 44 बाद पर पर्सन रहता है। सो अभी हमने 2 ले लिया है, तो हमारा हो गया 84 बाद। सो नेक्स्ट अभी हम बताते हैं आपको क्या रहता है। ये दूसरा स्टेशन आ गया बोर्ड का। तो भाई ये देखो नजारा, काफी कूल लग रहा है भाई, बट मैं बोलता हूँ थोड़ा टैक्सी से मेरे को लग रहा है ये महंगी जा रही है। निकल गया भाई, ये दूसरा एक स्टेशन आ गया पर्टनम वाजगर खेज एक स्टेशन पॉइंट चिटलम नाम का है भाई कुछ। सो ऐसा कुछ नजारा है भाई, लुक एट दिस। तो नेक्स्ट स्टेशन है हमारा, सो नेक्स्ट के ऊपर हम उतर जाएंगे, तो तब तक ले लेते हैं कुछ शॉर्ट्स वगैरह ले लेंगे। हाँ दूसरा आ गया भाई, ये रहा सेंट्रल वर्ल्ड का जो मेन सेंट्रल पेयर है और जहाँ पे सारे बोर्ड्स मिलते हैं, तो शायद ये वाला स्टेशन होगा बोर्ड का भाई। ये काफ़ी सिमिलर है, पहले हमारे यहाँ RTC बस आती थी वैसा ही है ये, बट ये पानी के ऊपर चलता है। एक फ्यूचरिस्टिक कुछ बना हुआ है आगे। तो भाई मुझे लगता है हमें यहाँ उतरना चाहिए भाई, ये तो वही है हवा हवा सोफिया फूड कॉर्नर वाला। सो ये तो शायद भाई आ चुके हैं सेंट्रल मॉल के पास, शायद आगे जो हम खाना खाते थे जो सोफिया मॉल के अंदर सोफिया फूड कॉर्नर है वहाँ से, तो मेरे को लगता है वही है भाई। ये आ गया अपना स्टेशन, तो अभी हम उतर रहे हैं। Let's go man। तो ये उतर गए भाई हम, ये कुछ इस प्रकार का बोर्ड है, काफ़ी सही लगा है ना। तो ये आया सेंट्रल जो वर्ल्ड है वो वहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा।
सो अभी यहाँ उतर के फिर ये ब्रिज से शायद मैंने पहले भी दिखाया है जो मॉल की तरफ हम गए थे ना, तो यह वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। सो इतना कुछ ज़्यादा हमें टैक्सी नहीं करनी पड़ेगी। सो ये अगर आप आना चाहते हो तो जहाँ से हमने पकड़ा E3 से, सो आप सीधा सेंट्रल आ सकते हो। तो यहाँ से भाई वॉकिंग डिस्टेंस पे सारा कुछ मिलेगा। मॉल्स चाइना टाउन आगे थोड़ा आपको टुक टुक वगैरह करनी पड़ेगी यार, वो भी बहुत सस्ती क्योंकि ये सामने ही है, चाइना टाउन इतना दूर नहीं है। तो ये देखो भाई, ये रहा भाई सेंट्रल वर्ल्ड, तो ऐसा ही कुछ नज़ारा है। ये वॉकिंग वाला जो स्ट्रीट बना हुआ ऊपर, जो फ्लाईओवर के जो फ्लेवर जैसा बना हुआ है भाई, देख कितना सही लग रहा है। ये जगह समझ आया? हाँ, प्लेटिनम, हम समझ गए भाई। ये देखो यहाँ क्या भी ग्रह, मुझे नहीं पता तुम क्या भी बेच रहे हो भाई। सो भाई ये हम 24/7 में आ चुके हैं। सो अभी हम यहाँ से कुछ कॉफ़ी वगैरह पिक करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेसो वगैरह सारा अमेरिकानो सब कुछ मिलेगा। सो यहाँ से कॉफ़ी करके जो आप जितना साइज़ का पीना चाहते हो, आइस या हॉट या कुछ भी, सारा वैराइटीज़ रखी हुई है। तो आप जाके यहाँ काउंटर से पे करके फिर आप निकल सकते हो। तो काफ़ी, ये तो काफ़ी सही है भाई ये सिस्टम, क्योंकि मशीन सारा कुछ बनाता है तो हमें टेंशन नहीं है किसी चीज़ की। तो ऐसा ही कुछ है भाई, यहाँ पे कॉफ़ी का क्या क्या रहता है, कितना हेल्दी है, कितना क्या है, सारा कुछ इसके ऊपर दिया हुआ है। ये देखो, हेलो ये परेशान हो गई है मुझे देख के, पता नहीं इसको लग रहा होगा ये क्या कर रहा है, ब्लॉगिंग वगैरह कर रहा है। असगर भाई नाइस कैफे पी रहा है, सो जो रेगुलर कॉफ़ी रहती है आइस के साथ, बट मैं हॉट पीऊँगा, क्या कॉफ़ी पीऊँगा या एक्सप्रेसो पीऊँगा और में। सो देखते हैं भाई अभी इसके ऊपर कब लगाएगा ये, एंड इसका क्या रहता है प्राइस, उस हिसाब से हम देखेंगे। यस, सो ये लगा रही है कप जो मुंह जले ना, ताकि इसमें से होल होती है तो आराम से बंदा पी सकता है, कैरी करके बाहर जा सकता है। सो ये गुड मॉर्निंग चीज़ इन सो 30 बात, ये चीप है भाई काफ़ी, 30 बात तो कुछ नहीं होता है ना इस हिसाब से। नहीं भाई इसको पता नहीं है क्या हो रहा है यहाँ पे, सो इसको ना समझ आ रहा है कुछ, और यहाँ की दिक्कत यही है कि कुछ समझ नहीं आता इन लोगों को। नो दी चिलेना कॉफ़ी चेक भाई, अभी एक्सप्रेसो के साथ अभी चल पड़े हैं यहाँ पे, गोल्ड्स के जो गोल्ड्स हो गए यहाँ का, वहाँ जा रहे हैं हम, थोड़ा रिंग्स वगैरह कुछ गोल्ड के देख रहे हैं। तो अगर देखते हैं कुछ पसंद आता है लेते हैं, तो आपको बताएंगे क्या रहता है। भाई अभी जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर में, मम्मा मिया क्या स्वादिष्ट एक्सप्रेसो है ये तो। बट यहाँ इतनी गर्मी है, बट मैं हॉट में पी रहा हूँ क्योंकि मुझे पसंद है भाई। सो ये रहा सारा गोल्ड के, मेरे को लग रहा है कि यही है। तो भाई अभी गोल्ड शॉप में है, अभी रिंग देख रहे हैं, अच्छा सा रिंग मिलेगा, सारा मिल जाएगी। ये देखो डायमंड्स वगैरह रिंग सारा मिलेगा। सो भाई अभी देखते हैं कुछ अच्छा पसंद आता है तो ले लेते हैं। सो भाई हमने चेक किया काफ़ी जो गोल्ड ये है शॉप्स हैं, सो डायमंड गोल्ड शॉप्स। तो अभी हम नेक्स्ट कहीं जा रहे हैं, थोड़ा हम सब कंपेयर करेंगे प्राइसेस, क्योंकि प्राइस भाई कुछ जगह में बहुत ज़्यादा महंगी है जगह की वजह से। तो ये एक तो ये थाईलैंड का गोल्ड है, थाईलैंड का गोल्ड काफ़ी चीप माना जाता है, दुबई और थाईलैंड का तो सबसे महंगा तो अपना कश्मीरी सफ़ायर और गोल्ड होता है। सो उस हिसाब से हम देख, अरे भाई ये देखो पूरे भाई मॉल के नीचे से पानी का झरना बह रहा है। सो क्या बात है भाई, ये देखो भाई अभी हम पहुँच गए हैं कोई ट्रेंडी के पास। सो ये आगे हमें दिखाता है कोई जो अफगानी होटल्स वगैरह है, सो हम अफगानी खाएंगे, थोड़ा देखेंगे क्या रहता है क्या नहीं रहता इस साइड में। सो आपको वैसे ही दिखाते हैं। सो भाई ये रहा स्ट्रीट,
यहाँ पे समाला होटल के सामने ही जो भी रेस्टोरेंट्स वगैरह यहाँ पे सारा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी जो भी हमें खाना वगैरह खाना है। तो देखते हैं भाई क्या सीन रहता है। ओ भाई वो देखो सारा खेती बाड़ी हुआ के रखे वरंडास में, ये काफ़ी सही है भाई। तो अभी देखते हैं। टुक टुक आ गया भाई, ये देखो ये कोई 7-Eleven है। सुखुमीत रेजिडेंस है ये भाई। एक चीज़ ये बड़ा सही है यहाँ पे, ये बाइक वाले ना कम प्राइस में आपको जहाँ भी जाना है वो छोड़ देते हैं। ये देखो ये लोग ऐसे ड्रेस पहन के बैठते हैं, ये छोड़ देते हैं जहाँ आप जाना चाहो, वो चीज़ काफ़ी सही है। बाकी तो जैसा है वैसा सारा कुछ चलता है, अपनी तरह जो अपने देश में होता है भाई टैक्सी वगैरह, बट हमारे यहाँ वो मुंबई में बोलते हैं काली पीली, वैसा यहाँ पे पिंक होता है और ग्रीन रहता है। सो काफ़ी सही लगा ये चीज़। और ये ट्रेन वाली मार्केट अभी हम गए नहीं, यहाँ पे ये है वटाना चर्च नर्सरी, पता नहीं कहाँ पहुँच गए भाई, यहाँ पे तो लोकेशन है ही नहीं। सो अभी देखते हैं यहाँ से शायद अंदर की तरफ है भाई। टुक 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 यहाँ पे क्या कर रहा है, सो शायद नेक्स्ट वाली गली में है। यहाँ से हमें नेक्स्ट वाले में जाना पड़ेगा क्योंकि जो ये सामने वाला है शायद ये मैप के ऊपर गलत दिखा रहा है, ये नेक्स्ट वाला बता रहा है जो मैप में अब दिखा रहा है। पता नहीं मे बी पावर सेविंग वगैरह रखा हो उस वजह से लोकेशन फ्लैक्चुएट कर रहा है आगे पीछे। सो वो हटाने पे बताएगा सारा कुछ कहाँ क्या है। तो ऐसा ही कुछ है भाई, मसाज के लिए खाना पीना हो गया काफ़ी, कपड़े वगैरह धोने के लिए है ये। अब देखते हैं यहाँ पर है मॉडर्न इंडियन कुजींस वगैरह जो भी आपको खाना है। सो इंडियंस तो हम लोग अपने कंट्री में खाते रहते हैं, अब यहाँ पे खाएंगे हम लोग अफगानी कुछ खाएंगे। सो ये रहा भाई, यहाँ पे काफ़ी लाइन में पूरी रेस्टोरेंट है। सो देखते हैं ये यहाँ पे ओल्ड जर्मन भी है। सो जो जर्मन का कुजीन वगैरह रहता होगा वो रहता होगा यहाँ पे, तो अपने लिए तो अफ़गान चलेगा अभी के लिए, या लिबनानी या कोई भी अरब का चलेगा क्योंकि हमें अरबियन खाना खाना है आज। सो उस हिसाब से देख रहे हैं भाई, तो देखते हैं। ये रहा रमज़ान होटल, ये तो बांग्लादेश एंड इंडियन, बांग्लादेशी और इंडियंस वाला है शायद। सो आगे वाला देखते हैं, यहाँ यहीं की ट्राई करें। ये आ चुका है अपना बटर चिकन भाई। सो ये रहा, तो अभी बस स्टार्ट करेंगे। खाना खा के निकल चुके हैं, ये देखो क्या मिल गया हमें, बुल। कितना बड़ा बुल है, ओ माय गॉड। लुक एट दिस जायंट बुल भाई, हम जहाँ से निकले थे देखो भाई वहीं आ गए, यहाँ से हम लोग निकले थे। सो ये रहा भाई ये जगह है, तो ये अपना रेजिडेंस वाला बिल्डिंग है जो यहाँ पे दिख रहा है। सो ये देखो भाई, ये जो स्क्रीन वाला है उसके नेक्स्ट वाला अपना रेजिडेंस बिल्डिंग है। सो ये रहा भाई, अभी हमने रखे हैं कपड़े धोने के लिए। सो कपड़े थोड़ा धो के इसके बाद थोड़ा हम रेस्ट करेंगे,
रेस्ट करके फिर भाई सीधे निकलेंगे आगे, शाम को थोड़ा रेस्ट करके सारा आसपास थोड़ा वगैरह देखेंगे कुछ अच्छा सा अगर खाने को मिलता है। सो भाई ये देखो शाम का व्यू क्या सुंदर लग रहा है। सो बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। सो आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।